आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। पुलिस ने किया हत्या के आरोपियों का खुलासा। रेलवे गोदाम के पास मिले घायल युवक की, जिसके बाद में मौत हो गई थी, उसके हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता कर हत्या के आरोपियों का खुलासा किया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि हत्या चार आरोपियों ने की थी। हत्या की वजह घटना से एक दिन पहले दारू पीने के दौरान हुए विवाद का था। विदित हो कि सिटी कोतवाली को रेलवे गोदाम के पास मृतक युवक घायल अवस्था में मिला था। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया था। युवक की पहचान मनोज पुत्र मथुरा लाल रजक के रूप में हुई थी। पुलिस को शक था कि युवक की हत्या करने वाले उसके दोस्त या करीबी भी हो सकते हैं। इसी आधार पर पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पुलिस के हाथ चढ़ गए हत्या के चार आरोपी। आज प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल ने बताया कि युवक की हत्या को चार आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिसमें उपेंद्र, मोहसिन राजा और प्रदीप शामिल हैं। ये आरोपी युवक के साथ ही थे। पुलिस के अनुसार एक दिन पहले युवक के साथ बैठकर शराब पी थी, इस दौरान विवाद हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए अगले दिन युवक के साथ इन चारों ने मारपीट की थी, जिससे युवक की मौत हो गई। 6 अप्रैल को रेलवे माल गोदाम के पास में एक अज्ञात व्यक्ति करीब 25 साल का उनको घायल अवस्था में मिला था और 7 अप्रैल को उसकी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें कोतवाली पुलिस द्वारा इसकी तफ्तीश करी गई और ये पाया गया कि 6 लोगों ने इसकी मारपीट करी थी। इस व्यक्ति की मनोज रजक नाम से पहचान हुई है। ये गुना कहीं रहने वाला है, मोशीपुरा राजापुर का, और 6 लोगों ने मारपीट करी है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं और 4 वयस्क हैं। 6ों को पकड़ लिया गया है और जो 6 लोग जो उन्होंने मारपीट करके हत्या को अंजाम दिया है, उसमें से एक उपेंद्र केवट है, जो पूर्व में 2012 में भी 302 के मामले में बंद हो चुका है, और सभी को हमने गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड पर पेश कर दिया। रेलवे स्टेशन पर उनके बीच में छोटी सी बहस भी हुई थी, उससे जो है उपेंद्र केवट और उसके जितने लड़के हैं वो लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने जो है इसको सबक सिखाने के लिए फिर इसको घटनास्थल पर ले जाकर इसकी मारपीट करके इसकी हत्या को अंजाम दिया। क्या आदि आप उपयोग किया जाता है? दिनांक 6 तारीख को एक अज्ञात व्यक्ति की गंभीर हालत में 100 डायल द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जिसकी दौरान उपचार मृत्यु हो गई। पीएम रिपोर्ट के आधार पर घायल व्यक्ति की मृत्यु गंभीर चोटों पर के कारण हुई है, जिसकी शिनाख्त मनोज रजक के नाम से हुई। संपूर्ण मर्ग जाँच और पीएम रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली पर 302/34 का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना मुखबिर सूचना एवं CCTV फुटेज के से अज्ञात आरोपियों की पहचान की गई, जिन्हें में राज केवट, बेन केवट, प्रदीप ओझा और मोहसिन खान तथा 2 विधि विवादित किशोर के नाम आए हैं। बालिक आरोपियों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश किया गया है। आज मुस्लिम समाज और फिक्र मिल्लत द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। कठुआ उन्नाव गैंगरेप के विरोध में आज किया गया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन करने वालों की मांग थी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सरकार ऐसा कानून बनाए जिसमें रेप केस के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। और लोगों के दुख और सुख में काम आने वाले और तमाम समुदाय के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले भाई। दिल्ली गेट पर जब रात्रि के समय 1 बजे राहुल गांधी जी ने अनशन की तैयारी की, जब वहां पर कुल 500 या 100-200 आदमी थे और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था तक चरमरा गई थी, प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीर के 2 मंत्रियों के तुरंत इस्तीफे करा लिए गए थे। ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के मुस्लिम समाज गुना और फिक्रे मिल्लत की तरफ से आज ये धरने का आयोजन रखा गया था, जिसमें सभी समाज व वर्ग व संगठनों के लोग सम्मिलित हुए और इसमें उन्नाव, कठुआ, सासाराम और भी जगह शुपरी जहां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए उसको लेकर
अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और उनको फांसी के साथ सजा का प्रावधान हो, उसके विषय पर धरना दिया गया है। और प्रशासन से, शासन से, सरकार से यही गुजारिश है कि इस तरीके के वारदातों पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाए और फैन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक अलग कानून बनाए। स्थानीय मानस भवन संचालन समिति के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर मानस भवन में गुना कलेक्टर राजेश जैन की विदाई सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया, जिस कार्यक्रम में गुना मानस भवन के सभी पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बबलू चौहान, प्रेम नारायण राठौर, भजन सेठ आदि उपस्थित रहे। गुना कलेक्टर राजेश जैन का विदाई सम्मान समारोह यहां पर किया गया। गुना में कलेक्टर का कार्यकाल 2.25 साल का रहा। इन 2.25 सालों में कलेक्टर राजेश जैन ने सभी को अपना समझा और अभी तक किसी से भी गलत व्यवहार नहीं किया। यही बात गुना नगर के हर एक व्यक्ति की जुबान पर है। मानस भवन समिति के मंत्री श्री हरिशंकर त्रिवेदी जी से अनुरोध कि वे भी इस अवसर पर पुष्पहार द्वारा अभिनंदन कर रहे हैं। प्रदीप कायल संयोजक धार्मिक उत्सव समिति और कोषाध्यक्ष मानस भवन समिति मैं आमंत्रित दे रहा हूँ मानव भवन समिति के माननीय मंत्री आदरणीय हरिशंकर जी विजयवर्गीय जी कृपया पधारे और इस समय पर उद्बोधन देने की कृपा। निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम मेरे जीवन में पहला कार्यक्रम है जब मैं विदाई समारोह में मंच में कोई संबोधन दे रहा हूँ, तो मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि एक ऐसे जीवित व्यक्ति जिसने पिछले मेरे 25 साल के मानस भवन के सेवा काल में उदाहरण पेश किया कि वाकई में जिसके मन में जन सेवा हो, सहयोग की भावना हो, तो वो संस्था किस ऊंचाई तक पहुंच सकती है, ये एक सपना कलेक्टर राजेश जैन जी की अध्यक्षता में हमने गुना में महसूस किया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब मानस भवन 2 साल पहले हमारी आर्थिक स्थिति के रूप में हमारे पास लगभग 20 से 25 लाख रुपया था और आज हमारे अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन की वजह से लगभग 1.25 करोड़ रुपया इस मानस भवन के पास है, ये उनका विशेष योगदान। जब भी हमने इस कार्यक्रम के लिए जिस तरह की योजना के लिए उनसे अनुमति चाहिए, उन्होंने सहज हमको अनुमति दी, प्रेरणा दी, प्रोत्साहित किया, तो ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से जाना निसंदेह हमें तकलीफ देगा। बहुत ज़्यादा सम्मान आपने मेरा कर दिया, मैं बिल्कुल इस लायक नहीं था। गुना 2.25 साल कलेक्टर के तौर पर रहा। मानस भवन की अगर हम बात करें तो एक ऐसी संस्था सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय उसके लिए बनी हुई है। गुना के गणमान्य नागरिकों ने, चाहे वो सम्मानीय लाहौटी जी हों, सम्मानीय लुप्पा जी हों, रामजी लाल गोयल जी हों और वरिष्ठ जन जो भी रहे, कोई नींव के पत्थर रहे और एक बड़ी भव्य इमारत शहर के बीचों बीच मानस भवन की एक अलग छाप लिए यहाँ खड़ी हुई है। आम जनता के लिए बहुत नॉमिनल रेट पर सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। इतना अच्छा स्थान शहर के बीचों बीच नॉमिनल रेट पर शादी विवाह सभी कार्यक्रमों के लिए एकमात्र चॉइस लोगों की रहती है मानस भवन, कोई भी कार्यक्रम हो मानस भवन। और मुझे ये कहते हुए फख्र है कि गुना का जैसा मानस भवन है पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है, थोड़ा बहुत भोपाल में है लेकिन उसकी गरिमा वाला भवन भोपाल का भी नहीं है। सतना एक दो जगह अच्छा काम हुआ है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर एक चुनाव की परंपरा नहीं है, सभी लोग नॉमिनेट हो जाते हैं, बड़ा
सौहार्दपूर्ण सामंजस्यपूर्ण वातावरण में सब लोग रहते हैं। गोविंद गुरु तो सब लोग बड़ा अच्छा है, गरिमामय जो एक्चुअल मानस भवन की गरिमा होना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी निश्चित रूप से दरवाजे पे हैं, द्वारपाल हैं, भवन के रक्षक हैं, वो सब कुछ है। तो वही गरिमा के साथ मानस भवन चल रहा है। मानस भवन कलेक्टर पदेन अध्यक्ष होते हैं, मैं भी था। बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच के साथ यहाँ की टीम काम करती है। और हमने कभी विजय वर्गीय जी ने जो लिख दिया, गोयल जी ने जो लिख दिया, हमने तो दस्तखत किए भाई। एकमात्र ऐसी जगह थी मैं जहाँ एकता नहीं था। सामान्यतः लोग कहते हैं बारीक था मैं फाइलों में, फाइल बहुत देखता था, लेकिन यहाँ की फाइल मैंने कभी नहीं देखी। जो विजय वर्गीय जी ने कहा मैंने वहाँ अंगूठा लगा दिया, ये मान के चले। तो बहुत अच्छी टीम है मानस भवन की बेहतरी के लिए, मानस भवन के अच्छे के लिए। नीरज एक और डिमांड थी कि एक और अंकिता भवन की भी बात मानस भवन थी, वो जमीन नहीं हो पाई। शुक्ला जी जमीन अगर सकती है तो एक अपन आज भी देख लें, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं एक आध जमीन के लिए प्रस्ताव चला जाए। तो एक और भवन की आवश्यकता है शहर में, इससे अच्छा भवन हो तो वो भी अच्छी आवश्यकता है। तो यहाँ की टीम लगातार प्रयासरत है और निश्चित रूप से निकट भविष्य में गीता भवन का प्रस्ताव भी आपका मूर्त रूप देगा। मुझे यहाँ बुलाया, सम्मानित किया, उसके लिए मैं सभी का, सभी समाजजनों का, सभी गणमान्य नागरिकों का, मानस भवन समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवधि में अगर निश्चित रूप से त्रुटियाँ हुई होंगी तो मैं उसके लिए भी आप सबसे हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। पुनः आप सभी को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुना कलेक्टर राजेश जैन का इसी क्रम में आज नगर पालिका में भी विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस विदाई समारोह में कलेक्टर राजेश जैन, टीआई अस्थाना, उप पुलिस अधीक्षक श्री तोमर को विदाई दी गई। ये माला मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एसपी साहब 3 साल गुना रहे। श्री मनीष जी शर्मा पार्षद महोदय, इसी क्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी कलेक्टर राजेश जैन को विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस विदाई समारोह में कलेक्टर को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ऐसा कुछ नहीं है, सीबीएसई में कठिन है, हमारे बच्चे कमजोर है, बच्चों में कोई अंतर नहीं होता, उन्हें इस बीच बहुत अंतर नहीं होता किसी में, तो बहुत अच्छे काम शिक्षा विभाग ने किए। शिक्षा विभाग गुना जिले का सक्रिय रहा, हर दृष्टि से सक्रिय रहा, समय समय पर आपकी सेवाएं हमने ली, इनकी उपजू आ रहा है। खेल विभाग में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, मेरिट में भी यहाँ के लोग रहे, कुछ स्कूलों के बच्चे, सभी ने बड़ा अच्छा काम किया। तो मैं सभी को बहुत बधाई भी दूंगा, शुभकामनाएं भी दूंगा, और आपने बुलाया, मेरे को सम्मान किया, उसके लिए मैं और सर अवर सचिव जीडीए सामान्य प्रशासन विभाग जो रहता है, सर्वोच्च विभाग होता है, हो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहान आपको, अगर आप मांगे आसमां से। रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टरों पर खनिज विभाग की टीम ने की कार्रवाई। यह कार्रवाई संजय स्टेडियम के पास की गई। जैसे ही कार्रवाई की भनक रेत के अवैध व्यापार कर रहे ट्रैक्टर चालकों को हुई तो वह अपने ट्रैक्टर छोड़कर वहां से भाग निकले। खनिज विभाग ने ट्रैक्टर जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बोलो बोलो बोलो, वीडियो बना रहे हैं, देख भाग के तब भैया तक ले वो नंबर लग निकालते हैं।
रात में दूसरा ट्रैक्टर घर लेके वो तो ले जाएंगे सर। ये भी हाथ आ गया निर्देश पर आज अचानक माननीय विभाग के टीम के साथ शहर में इसके संजय स्टेडियम में अवैध परिवहन की ट्रैक्टर खड़े हुए थे, उनकी जांच की जा रही है और अवैध परिवहन पाए जाते हैं तो उन पर विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई जारी है। कितने ट्रैक्टर हैं? लगभग 4 से 5 ट्रैक्टर हैं। इसमें ड्राइवर जो इनके वाहन चालक थे वो गाड़ियों को देख कर भाग गए हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाकर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ऑटो चालक यूनियन एटक ने आज आरटीओ अधिकारी को दिया ज्ञापन। हाई कोर्ट के द्वारा ऑटो फिटनेस की पेनल्टी पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी वाहन चालकों से वसूल की जा रही थी, अतः ऑटो यूनियन ने मांग की है कि मध्य प्रदेश में भी इस पर रोक लगाई जाए। आज हमारे ये ऑटो चालक यूनियन एटक द्वारा ये हाईकोर्ट के जो अभी फैसला आया है, जो अभी फिटनेस सहित तमाम जो पेनल्टी वगैरह ली जाती थी उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो आज हम है ना आरटीओ महोदय से ये एक ज्ञापन दे के मांग करने आए कि ये पुराने जो नियम है उन्हीं के अनुसार ये कार्रवाई की जाए और जो फिटनेस पेनल्टी और जो तमाम जो अवैध वसूलियाँ जो की जा रही थी उस पर रोक लगाई जाए हाईकोर्ट के कानूनों के नियम मतलब आदेश के अंतर्गत। शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 में आज संभव स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी द्वारा छात्राओं को कलात्मक सामग्री बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। सोसाइटी अधिकारी गरिमा बत्रा, डिंपल सलूजा, सोनिया अरोरा, आभा विजयवर्गीय उपस्थित थीं। शिविर में छात्राओं को फ्लावर पॉट, पेन स्टैंड सहित अन्य कलात्मक वस्तुएं बनाने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं को पेन व ट्रॉफी वितरित की गई। और ये जो हमारे समर कैंप का एक हिस्सा है, आगे में इसी तरह की चीजें बता बच्चों को सिखाते हैं। सोसाइटी का नाम क्या? संभव एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, स्पेशल एजुकेशन। आपका नाम और आप नाम और पोस्ट? आभा विजयवर्गीय, सोसाइटी की मेंबर। और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि बच्चों को वेस्ट मटेरियल से अच्छी चीज सिखाएं ताकि उनको और इंटरेस्ट बढ़े ये सब चीजें सीखने। सर आज हमने बहुत अच्छी चीज बनानी सीखी। साक्षी हमें बहुत अच्छा सिखाया है और हमें बहुत मजा आया है। और भी सीखना चाहोगी इसको? भारतीय महिला फेडरेशन ने दिया ज्ञापन। इस ज्ञापन में महिला फेडरेशन ने कठुआ और उन्नाव केस में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर को दिया गया। ज्ञापन से पूर्व महिला फेडरेशन ने एक रैली निकालकर दोषियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। बलात्कार कर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सत्ता रूढ़ विधायक और उसके सहयोगियों द्वारा एक नाबालिग के साथ जबरन बलात्कार किया और बलात्कार का विरोध करने पर उसके कलेक्टर साहब को हम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन देना चाहते हैं। जो आजकल उन्नाव की घटना, कठुआ की घटना जो चल रही है बच्चियों के साथ, उसके लिए कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, इसके लिए उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं। डीजीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।